Hi love you. So we are on 13th part of MCQ, जहाँ पे another 20 important MCQ हम cover करेंगे. If you are new on the channel, do like, share and subscribe. ये सारे important MCQ हमने आपके PDF में आपके इस website पे available करवा रखे हैं, जिसमें 1000 हमने issue कर दिए हैं. Second public second जो MCQ of 1000 will be available on 20th of this month. You may refer to this website notification page. You will find the PDF notes there only. You can download. तो क्वेश्चन हम शुरुआत करेंगे 581 टू 600. रफ्तार हमारी हमेशा की तरह तेज आपके इस एमसीक्यू के पार्ट में रहेगी, सो दैट मिनिमम समय में मैक्सिमम कवर हम कर सकते हैं. क्वेश्चन 581, द प्रैक्टिस ऑफ लेंडिंग मनी टू अनरिलेटेड इंडिविजुअल और पीर्स विदाउट गोइंग थ्रू ए ट्रेडिशनल फिनेंशियल इंटरमीडियरी सच एज बैंक और ट्रेडिशनल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं. तो आप जाने ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नया कंसेप्ट है, इस कारण से इंपॉर्टेंट है. दैट इज कॉल्ड पीयर टू पीयर लेंडिंग. इट्स नॉट पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन, या ट्रांजेक्शन नहीं होगा, इट्स पीयर टू पीयर लेंडिंग होता है. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 581. बेसिकली डायरेक्ट लेंडिंग बिटवीन इंडिविजुअल और बिजनेसमैन का ये कंसेप्ट है, जिसमें प्लेटफॉर्म जो आपकी होती है वो आपके फ्रॉम बेनिफिशियरी टू आपकी जो रिटेलर होते हैं उनके साथ टैली रहती है. कॉल पीयर टू पीयर. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 581. क्वेश्चन नंबर 582, बैंक्स कैन नॉट जनरली एक्सेप्ट इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन. इंटरेस्ट फ्री कौन सा आपका अकाउंट है, दैट इज कॉल्ड करंट अकाउंट. यहाँ पे आपके रखे हुए पैसे पे बैंक कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करती है, अदर देन करंट अकाउंट. जितने भी अकाउंट बैंक में डिपॉजिट होते हैं उस पर बैंक आपको एक सर्टेन परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करती है, चाहे वो क्वार्टरली किया जाए या हाफ ईयरली किया जाए. कैलकुलेटेड ऑन डेली प्रोडक्ट बेसिस भी होता है, तो बैंक इंटरेस्ट पे करती है एक्सेप्ट करंट अकाउंट. क्वेश्चन 583, डिपॉजिट अंडर फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट FCNR, जो NRI कस्टमर होते हैं उनके लिए देर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट विच आर एप्लीकेबल इन इंडिया. वन इज कॉल्ड NRO, जिसमें फॉरेन करेंसी प्लस इंडियन करेंसी दोनों ट्रांजेक्शन किए जा सकते हैं. NRE इज एप्लीकेबल फॉर ओनली फॉरेन करेंसी. और FCNR जो NRI कस्टमर होते हैं वो अगर FD करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड FCNR, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक अकाउंट. और ये जो FCNR होता है ये मिनिमम आपकी जो पीरियड होती है वो आपके 1 ईयर और मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए होती है. तो यहाँ पर राइट आंसर विल बी सी. तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, आपके नोट्स में हमने अमेंड करके डाल दिए हैं 1 ईयर. तो यहाँ पे आप जाने कि 1 ईयर से लेके 5 ईयर्स तक की उसकी मेच्योरिटी होती है FCNR. द राइट आंसर विल बी राइट आंसर विल बी 1 ईयर, दैट इज सी. यू हैव टू करेक्ट और यू हैव टू कंसिडर हेयर ओनली द सी विल बी राइट आंसर, विच इज द मिनिमम डिपॉजिट ऑफ FCNR बी. क्वेश्चन नंबर 584 कहता है, द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 2008 में हुआ. और डिजिटल जितनी भी पेमेंट हम देखते हैं, चाहे वो आपकी UPI हो, चाहे वो भारत बिल पेमेंट सिस्टम हो, चाहे वो CTS हो, है ना, चाहे वो आपकी जो रुपए कार्ड हो, दे आर मल्टीपल 8 to 10 इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ NPCI. इसका एस्टैब्लिशमेंट 2008 में हुआ और फिनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली में, आपकी मुंबई में हुआ. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन 584. नेक्स्ट, ऑथराइज कैपिटल ऑफ NPCI, जिस समय NPCI का एस्टैब्लिशमेंट हुआ उस समय उसकी ऑथराइज और पेडअप कैपिटल कितनी थी. ऑथराइज कैपिटल वॉज 300 CR एंड पेडअप कैपिटल वॉज 100 CR. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन 585. क्वेश्चन 586, नावार्ड वॉज सेटअप विद पेडअप कैपिटल. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नावार्ड जिस समय एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1982 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शिवरामन कमिटी, उसका पेडअप कैपिटल 100 CR था. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन 586. मिनिमम अमाउंट दैट कैन बी इन्वेस्ट इन किसान विकास पत्र. किसान विकास पत्र जिसमें मिनिमम हम 1000 से लेके मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज. द मिनिमम अमाउंट इज 1000. तो डी विल राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 587. क्वेश्चन नंबर 588, मिनिमम ईयरली डिपॉजिट डैश इज रिक्वायर्ड टू ओपन मेंटेन PPF अकाउंट एंड मैक्सिमम. देखिए PPF अगर पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट आपने ओपन किसी बैंक पोस्ट ऑफिस में कर लिए हैं, तो मिनिमम जो डिपॉजिट आपको करना पड़ेगा इन वन फाइनेंशियल ईयर दैट कैन नॉट बी लेस देन 500, और जो मैक्सिमम आप कर सकते हैं दैट कैन नॉट एक्सीड 1.5 लाख. राइट, अगर आप 500 रुपये किसी साल जमा नहीं करते हैं तो आपकी जो पेनल्टी है 50 रुपीज पर NM के हिसाब से आपसे लेटर ऑन डिडक्ट की जाएगी. तो मिनिमम 5 to 1.5 जो आपकी इनकम टैक्स का ATC है, जिसमें कहता है कि ATC में हम 1.5 तक रिबेट दे सकते हैं, तो वही मैक्सिमम लिमिट आपके सुकन्या और PPF की है. क्वेश्चन नंबर 589, ECGC, दैट इज एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इज ए कंपनी होली ओन्ड बाय
कौन ओन करता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 590, नेशनल हाउसिंग बैंक इज होली ओन सब्सिडरी ऑफ, जो एनएचबी है जिसका एस्टैब्लिशमेंट हमने 1988 में किया था, जिस समय हमने 1988 में उसका एस्टैब्लिशमेंट किया उस समय वो आरबीआई का क्या था, तो सब्सिडरी था। लेटर ऑन इन द ईयर 1997 इस एनएचबी को नावार्ड का सब्सिडरी बना दिया गया, और फिर से 2019 में नावार्ड से उठाकर फिर से इसे आरबीआई का सब्सिडरी बना दिया गया है। तो आज के डेट में दिस एनएचबी द सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दे आर मल्टीपल सब्सिडरी ऑफ आरबीआई, जिसमें हम अगर जाने तो पहला तो आपने देख लिया कि एनएचबी इज द सब्सिडरी, उसके बाद कौन सी है, तो उसके बाद है डीआईसीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके बाद है बीआरबीएनएमपीएल, जिसके अंदर दो आपके नोट प्रिंटिंग प्रेस हैं, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाद है आपकी आरईबीआईटी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके बाद है इफ्टास, उसके बाद है आपकी नई 2022 में आई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब RERBIH। तो दीज आर द सिक्स सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 591, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स मेजोरिटी स्टेक इन नावार्ड, नावार्ड में मेजोरिटी स्टेक कौन रखता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रखती है 99% का, क्या है तो मेजोरिटी आपका स्टेक नावार्ड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। 592, करंटली अ स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज सिडबी, जो आपकी मुद्रा वगैरह को रेगुलेट करता है, इज होली ओन सब्सिडरी ऑफ, ये भी किसका, ये भी सब्सिडरी किसकी है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब्सिडरी है। 34 एक टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आपको रिड्यूस कर देना है, आपको हटा देना है, आपके नोट्स में हमने अमेंड कर दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब्सिडरी है आपकी सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1990 उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हमने किया है। क्वेश्चन नंबर 593, CGTMSE का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फुल फॉर्म ऑफ CGTMSE इज क्रेडिट गारंटी फंड, तो सब में क्रेडिट गारंटी फंड होगा, गवर्नमेंट फंड नहीं होगा, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। बेसिकली अगर अप टू 1 करोड़ का लोन है और विदाउट कोलेटरल दिया गया है, तो यहाँ पे CGTMSE क्या करती है, तो लोन कवर करती है अप टू 50-75%। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कवर होता है आपके बैंक के लिए और कस्टमर के लिए भी, कस्टमर को कोलेटरल नहीं देना पड़ता है और बैंक का इंश्योरेंस कवर रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 593। क्वेश्चन नंबर 594, द स्ट्रक्चर ऑफ द रजिस्ट्री विच विल इनेबल क्विक शेयरिंग एंड इंफॉर्मेशन अबाउट अनस्ट्रक्चर्ड बोरोअर एंड हेल्प बैंक फाइट बैड लोन्स, द रजिस्ट्री इज कॉल्ड, उस रजिस्ट्री को हम कहते हैं, वो आरबीआई मेंटेन करती है, जो भी फ्रॉड होते हैं वो आरबीआई के वेबसाइट पर रहते हैं, उस रजिस्ट्री का नाम है CFR, दैट इज सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 595, द रिकॉर्ड ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसे हम क्या कहते हैं, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, उसे हम BOP कहते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट WTO के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 596, पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी PDMA इज बीइंग सेट अप टू प्रिवेंट लीकेज एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉन्ड मार्केट, तो यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का पार्ट होता है बॉन्ड मार्केट में, हम PDMA को देखते हैं। 597, द एजेंसी विच इज टास्क विद कलेक्टिंग एनालाइजिंग एंड डिसमिसलिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ड्यूबियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, तो जो कॉम्बैट फाइनेंशियल आपकी मनी लॉन्ड्रिंग है उसके लिए FIUIND, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया 2004 का एस्टैब्लिशमेंट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 598, विथ विच आर्टिकल ऑफ इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मनी मार्केट इज रिलेटेड, जो धन विधेयक है, जो मनी मार्केट जो बिल मनी बिल है, वो कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन में, तो आर्टिकल नंबर 110 रिलेट करता है मनी बिल को, धन विधेयक। दिस मनी बिल कैन ओनली बी रिप्रेजेंटेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड दिस कैन बी ओनली रिप्रेजेंट इन लोकसभा ओनली, राइट। तो आपसे कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि मनी बिल कहाँ रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वेदर लोअर असेंबली और अपर असेंबली, राज्यसभा और लोकसभा, तो आप जानें ओनली लोअर असेंबली एंड दिस लोअर असेंबली इज कॉल्ड लोकसभा, विच इज द पिलर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, दे आर 3 पिलर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, 1 इज कॉल्ड लोकसभा, 2 इज कॉल्ड राज्यसभा, 3 इज कॉल्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो लोकसभा इज लोअर, राज्यसभा इज अपर, है ना, लोकसभा क्या टेम्पररी असेंबली होता, टेम्पररी है, ये क्या है, परमानेंट होता है, ये कभी भी भंग हो सकता है लोकसभा का, प्राइम मिनिस्टर रिजाइन दे दिया तो भंग हो जाएगा, राज्यसभा कैन नेवर बी डिसॉल्व, है ना, तो मेंबर ऑफ लोक पार्लियामेंट जो मेंबर ऑफ होते हैं लोकसभा के, उनका टेन्योर 5 ईयर्स का होता है, राज्यसभा के जो मेंबर उनका टेन्योर 6 ईयर्स का होता है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 598,
599, which of the following was the first credit rating agency in India? The answer is CIBIL. बहुत इंपॉर्टेंट है CIBIL, CRISIL, ICRA, SEMRA, these are the different rating agencies. इसकी बात हम आपके टॉपिक वाइज वीडियो में आपके साथ करेंगे. तो आज के इस वीडियो के लिए आखिरी बात क्वेश्चन नंबर 600 के साथ हम करते हैं. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज आर डन बाय क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज. पहला है कलेक्टिंग रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिविजुअल पेमेंट, यस. मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिविजुअल पेमेंट, यस. क्रिएटिंग क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यस. आंसर इज ऑल ऑफ दीज, दैट इज डी. यहाँ पे इस पार्ट में इतनी ही बात हमने आपके साथ की है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो. डू लाइक, और इफ यू हैव एनी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में डालें. डू सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट आए वो आप तक सही समय पर जरूर पहुंचे. थैंक यू.